हाँ जी, वेलोसिटी का मतलब ये है, रिव्यूज। इधर आ जाएं आप, देखें इसको वापस, इसको क्या हुआ। ठीक है, किधर है वेलोसिटी? रिव्यूज का ही सेक्शन है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आप ये एक हिसाब लगा ले, आम लैंग्वेज में अगर हम किस कहते हैं कि भाई इसकी क्या वेलोसिटी क्या है, मतलब ये कोई उड़ने वाली प्रोडक्ट है, या आज तक इसका रिव्यूज क्या, मतलब किस तरह है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये डाउनग्रेड जा रहा है या अपग्रेड जा रहा है, क्या कर रहा है ये। तो ये वेलोसिटी में देखें, ये यहाँ पर अपग्रेड जा रहा है, ये यहाँ पर अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, ये देखें माइनस आ रहा है यहाँ पर, मतलब इसके रिव्यूज भी जो है ना, लोग कुछ ऐसे हैं 1600 इसको, इसमें से इसने जो है ना इसको नेगेटिव रिव्यूज भी मिले। ठीक है, मतलब यार इसकी वेलोसिटी, इसकी इस प्रोडक्ट की वेलोसिटी कोई, मतलब ठीक है अगर इतने में से 10 में से कोई एक आधी आ रही है तो ठीक है, इट्स ओके, समझ में आती है। अगर सब में माइनस आ रहा होता तो हम समझ जाते, ओ हो, ये प्रोडक्ट तो वाकई वैसे ही बेकार है यार, छोड़ दो, इतनी सारी चीजें तो है इसमें गंदी, लेकिन वेलोसिटी भी इसकी खराब है, मतलब ये प्रोडक्ट उड़ने वाली नहीं है, फ्लाई नहीं करेगी, ये डुबा देगी पैसे हमारे। बाय बॉक्स हो गया आपका। कैटेगरीज ये देखें, अच्छी कैटेगरी, आपको आपकी कैटेगरी एक ही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये वाली जो है ना, ये वाली प्रोडक्ट आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी आपकी चेंज हो रही है, गार्डन आउटडोर में आ रही है, ये गार्डन आउटडोर में आ रही है, गार्डन आउटडोर में आ रही है। ठीक है, हालांकि ये प्रोडक्ट जो है ना आपकी एक कैटेगरी में आनी चाहिए, होम एंड किचन में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको हटा देना है, जो आपकी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें नहीं आ रही है, तो आप उसको सीधा जाके डिलीट कर दें, क्योंकि इसने लिस्टिंग गलत की हुई है, ये खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। ठीक है, आपको एक ही कैटेगरी रखनी है, 10 कैटेगरी के साथ आप नहीं ले सकते एक ही चीज को। ठीक है, क्योंकि वो आपकी फिर मैचिंग नहीं होगी वो चीज। ठीक है, आपने, क्योंकि अमेजोन ये चंद दिनों के लिए मेहमान है ये वाले, जो इन्होंने गलत रखा हुआ है, अगर ये वाले गलत है तो भी अमेजोन देख लेगा, अगर ये वाले गलत है तो भी अमेजोन इनको देख लेगा। ठीक है, तो कैटेगरी आपने एक ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद साइज वगैरह का जाहिर सी बात है आप ख्याल क्यों रखेंगे कि फीसिस वगैरह हो जाती है, लेकिन मतलब ठीक है, ये आपको इसको जो है वो देखना पड़ता है कि यार ऐसी इतनी ज्यादा ना हो, ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज में तो प्रोडक्ट वैसे ही बेकार है, स्टैंडर्ड साइज में हो एटलीस्ट बस। अब ये देखें, MNF MNF MNF, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी प्रोडक्ट है तो MNF ही होनी है, सब लोगों को क्लियर है ना MFN क्या है, उस दिन बताया भी था, क्योंकि आप लोगों ने FBA पढ़ा है और दोबारा दूसरा कौन सा पढ़ा है, FBM पढ़ा है, ये MFN है, सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। PL नहीं सर, मुझे एक्सक्यूज मी क्लियर सर, आएंगे, आप FMN बताएंगे। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास दो ही हैं। ठीक है, ये MFN आने के बाद भी हमारे पास वही कैटेगरी है। ठीक है, ये आप लोग इसको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ही कह लें, फर्क इसका ये है कि वो जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है वो एक अकेला बंदा कर रहा होता है। ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी उसने अपने आप पे उठाई होती है, लेकिन MFN का मतलब ये होता है नेटवर्क मिलके, अगर एक PL के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन एक नहीं चार पार्टनर है, तीन पार्टनर है। ठीक है, तो नेटवर्क बन गया, तो है वही फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ही है, लेकिन वो नेटवर्क आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके बाद आप वेट, आपको बताया जाता है कि भाई इस मेरी प्रोडक्ट के लिए आप जो ढूंढो उसका वेट इतना हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, हम तो कहते हैं 0 पॉइंट से हो, जितना कम हो तो उसकी बजटिंग भी अच्छी होगी, इनिशियल भी अच्छी होगी, फिर उसको स्केल अप करना भी अच्छा होगा। ठीक है ना, वेट पे भी गेम सारा खेलते हैं हम लोग। ठीक है, और इस वेट पे हम, ये तो फर्स्ट शीट निकल रही है ना आपकी, इसके बाद भी आपको चेंज करनी पड़ती है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इस पे गेम खेलते हैं, वेट को कम ज्यादा करके अपनी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एज लिस्ट आपने देखनी, ये मैं आपको एनालाइज बता रहा हूँ, सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है मैं बता रहा, क्राइटेरिया तो आपको वैसे ही मैंने बता दिया है। ठीक है, क्राइटेरिया तो आपने देखना ही देखना है, ये मैं आपको फुल फाइनल, जो लोग वो ई कॉमर्स वाले करते हैं ना, जो एनालाइज प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं जिस एनालाइज पे, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि ये वो लोग ये भी देखते हैं। अब ये एज लिस्टिंग आ गई,
ये भी आपको जरूरी है देखना कि कब से बैठा हुआ, 2011 से बैठा हुआ, 2011, 2000, 2000, 2011, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ये सारे पुराने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, एज लिस्टिंग आपने सिर्फ और सिर्फ एक साल वाले को लेना है, ऐसे ही, क्योंकि आप मुकाबला उसी से ही कर पाओगे जो 4 साल से बैठा हुआ, 12 साल से बैठा हुआ है, तो आपको कहाँ से बाय बॉक्स ही नहीं मिलना आपको, तो जब बाय बॉक्स सेल ही नहीं मिलेगी तो आप बढ़ोगे कहाँ से, ठीक है। तो पहली बात, अच्छा इसमें ये चीज कम से कम आप ख्याल रखिएगा, जिसका ख्याल रखना है आपको, मिनिमम जो है ना 6 महीने से कम ना हो उस बंदे को, वो उसने लॉन्च ही आज किया है और आप उसको गिन रहे हो अपने, उससे आप मुकाबले के लिए तैयार हो, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कम से कम 6 महीने उसको हो गए हो, ठीक है, मिनिमम एज लिस्ट उसकी 6 महीने होती हो, ठीक है। ये आपका आज एनालाइज भी हो गया और आपका क्राइटेरिया भी हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल है तो अब हम इसको सवाल को ले लेते हैं। सर ये वेट केजी में है या पाउंड में है, ये इसको देख लेते हैं, आ जाए, केजी में होगा, यहाँ पर डायमेंशन अलग दी हुई है, ठीक है, ये केजी है, 13 किलो और 23 ग्राम, सोफा है भाई ये बहुत भारी। बाय बॉक्स दादा दोबारा बता दें प्लीज, बाय बॉक्स, बाय बॉक्स, ठीक हो गया। बाय बॉक्स आप समझ लें कि एक ऑर्डर आया, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट का आया, ये वाली प्रोडक्ट का आया, सोफे का आया प्रोडक्ट, किसके पास, अमेजोन के पास आया। अब अमेजोन तो पागल हो गया, वो बोला यार ये भी बैठा हुआ मेरे पास, ये भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, नजरें ताड़ के कि भाई मुझे मेरी सेल आने वाली है, अब क्या क्या करना है। फिर इसका अपना वो क्या कहते हैं, अल्गोरिदम होता है ना, अल्गोरिदम जो मशीन का एक अल्गोरिदम, ऐसे वेबसाइट का एक अल्गोरिदम है, उसने एक सेट किया हुआ है अल्गोरिदम, हम उसको अपनी अल्फाजों में उसको समझने के लिए है कि क्राइटेरिया सर्टेन उसको दिया हुआ है, उसको एक मैप बना के दिया हुआ है कि भाई बीएसआर जिसका पहले हो ना, बीएसआर जिसका सबसे अच्छा हो इस लिस्ट में, इस बंदे का बीएसआर अच्छा हो सकता है, ये जो पहले बैठा हुआ है, ठीक है। अब अमेजोन के पास वो आई क्या कहते हैं बायर आया, ठीक है, उसने क्या किया, अल्गोरिदम अपना चला दिया, उसने पहले पहले इस बंदे को पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट आई है, अगर इसने रिसीव कर ली, अगर इसने वो बोला कि हाँ यार मेरे पास स्टॉक भी है, हर चीज़ है मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको टाइम दिया गया 1 दिन 2 दिन, अगर इसने ओके किया, सारी चीज़ें कर ली, इससे बात कर ली, ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, अपना ये जो परचेजिंग रिसीव कर ली, जो एक्सेप्ट कर ली, तो इसको मिल गया, ठीक है। अदरवाइज अगर इसने नहीं की तो अल्गोरिथम बना हुआ है, 2 दिन के बाद ये इस बंदे के पास आ गया ऑर्डर, अगर इसने भी वो नहीं की तो इसके पास आ गया, तीसरे के पास आ गया, चौथे के पास आ गया, पांचवे के पास आ गया, ठीक है। तो बाय बॉक्स ये बेसिकली अल्गोरिथम है, जैसे हम लोग उबर करीम चलाते हैं या क्या कहते हैं उसको, कभी हमने यूज की है तो आप देखिएगा, आप जब ढूंढेंगे ना किसी राइडर को तो वो उसका अल्गोरिथम चलता है, ठीक है, रेंडमली वो किसी के पास चली जाती है, ठीक है। अगर हालांकि वो बंदा वहां पर खड़ा हुआ भी, अगर उसने नहीं पिक किया ना तो उसको छोड़ के आप जब वो दूसरी दफा सर्च करेगा तो वो किसी और राइडर के पास जाएगी, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स ये है, ये बाय बॉक्स तो होलसेल पे सब सब पे सब पे सब पे लागू होता है, पीएल पे भी लागू होता है, अपना होलसेल के लिए भी होती है। वैसे मैंने आपको कहा ना, ये हम अब यहाँ पर इस पे पीएल के लिए चेक नहीं करते, इसको हम छोड़ देते हैं, ये अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जी जी, आपको जो चीजें देखने वाली थी वो ये देखने वाली थी कि ये आपने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ये आपकी प्रोडक्ट वही आए, डबलिंग लिस्ट में ना आए, ठीक है। उसके बाद ब्रांड से आप चेक करेंगे, ब्रांड 3 से ज्यादा दफा ना आए, प्राइस में फ्लक्चुएशन ना आए, सेल कम से कम भी जो है 300 तो हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है, ज्यादा भी ना हो, सिर्फ 300 तो हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद आपने रेवेन्यू देखना है, टॉप 10 में 5,000 तो हो एटलीस्ट, ज्यादा कोई इशू नहीं, नहीं नहीं वो 1000 से ऊपर भी हो सकती है, ज्यादा की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कम से कम भी ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, ये सारी देख लिया, ठीक है, फीसिस का हल्का सा टच करके आगे देख लिया, रिव्यूज का असल गेम है, रिव्यूज का, रिव्यूज ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1000 से ज्यादा रिव्यूज ना हो, ये आपको क्राइटेरिया मिल गया होगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको हिफ्ज कर लीजिएगा, हिफ्ज करेंगे तो आपका सारा प्रोडक्ट हंटिंग आप वैसे ही लेके आएंगे
लाके अपलोड करो और ये बिक गई इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी का थोड़ा सा देख लीजिएगा, साइजेस का देख लीजिएगा, साइज ज्यादा ओवर लार्ज में ना हो, स्टैंडर्ड साइज में हो, ठीक है। और जी, रिव्यू 1000 से ज्यादा होंगे तो क्या इश्यू बन सकता है? इश्यू ये होगा कि हम उससे बंदे से मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, वो हमारी जात पात का ही नहीं होगा ना, मुकाबला तो अपनी जात पात वालों का होता है ना, बड़े लोगों से हम क्या मुकाबला करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। वो पहले से बैठे हैं वहां पर, उनको लोग लाइक कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट मशहूर है। आप नए बंदे प्रोडक्ट एक तो अलग लॉन्च करने जा रहे हैं, अलग अपना नया ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम आप ऐसे लोगों से तो ऐसी प्रोडक्ट तो उठाकर आए ना कि जिनको लोग अभी जानते ना हो, वो अपना अभी नाम बनाना चाह रहे हो, तो इसलिए हम रिव्यूज देखते हैं कि लोग इनको ज्यादा नहीं जानते हो। जी, रेवेन्यू वैल्यू एक दफा समझा दीजिएगा कि जो लिखी हुई है इसको कैसे हमने रीड करना है, रेवेन्यू को जो है। जी, यहाँ पर ये रेवेन्यू जो है ये देखें, ये अभी कितना लिखा हुआ है, ये 85,346, बाकी ये 03 ये सेंट है, ये पाउंड है, क्योंकि हमें इधर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं ये पाउंड है। मैं जाहिर सी बात है यूके की मार्केट में ढूंढ रहा हूँ तो ये पाउंड ही होंगे ना, डॉलर तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। पहली बात, ये रेवेन्यू आपने हमें बताया है कि 5 से ज्यादा, जी हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, नीचे मैंने नहीं गिना लेकिन 10 तक आप गिने। आप इनमें से देखें किसी एक में भी 5000 से कम चीज है, कहीं पे भी 4000 आपको दिख रहा है? जी, जी, सर, में समझ में आ गया। हाँ, गुड हो गया, गुड हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर, वेट का बता देंगे, कम से कम वेट जो है अमेज़न कितना मींस कि कितना होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप किलो में मैं बताऊं तो आपको 1.5 किलो से ज्यादा ना हो, ठीक है। 1.5 किलो भी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, आधा किलो हो, ठीक है। जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी उतना आपका जो है ना प्रोडक्ट वो जा ही नहीं सकता। अच्छा, एक और मजे की बात मैं बताने वाला हूँ, पहले ये लोग आप पूछ लें, ये लोग आप ये चीजें आप पहले पूछ लें, ये चीज क्लियर हो गई है? सर, हम जब ये सारा कुछ देखते आ रहे हैं, हमने सॉर्टिंग करने सॉर्ट करने के बाद हमने रेटिंग वगैरह, मंथली सेल्स, रेवेन्यू, सब चीज देखी। जी जी, अब जब कैटेगरीज में वो आपने कहा जो सेम होंगी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी की आ गई है जी, नंबर 3 और नंबर 6 वाली, तो हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे जी, बिल्कुल। फिर से हमारा जो, हाँ जी बिल्कुल, हम देखेंगे ना, फिर दोबारा पीछे जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही है। इसीलिए जब ये शीट खुलती है ना, मैं सारा पहले देख लेता हूँ हल्का हल्का करके, यार सारी चीजें ओके ना, ओके ना, ओके ना, ओके ना, ओके ना, ठीक है, चलो ठीक है यार, अब करते हैं इसको, ठीक है। जी सर, आपने रैंडम हमें बता दिया सर, काइंडली आप एक फाइनल लिस्ट बना, यानी कि लिस्ट तो सही नहीं है, काइंडली आप एक फाइनल लिस्ट बना सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि फाइनल जो अप्रूवल लिस्ट होती है वो ऐसे होती है? वो तो फिर अब 1.5, 2 घंटे, 3, 4 घंटे, 6 घंटे में भी ऐसी प्रोडक्ट मिलने से मिलेगी, बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ आप देखेंगे ना, अभी मैं आपको एक एक अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं बताऊं, ठीक है। अच्छा, जो वो ये वाला तरीका मैंने बताया प्रोडक्ट सर्चिंग का, ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है, ये तो एक सजेशन दी ना, ये तो अब इसको कह लें, मैं इसको कहता हूँ ट्रेडिशनल वे है ये, यहाँ से देखना, ठीक है। जिसको मिसगाइड करना हो ना, वो उसको यहाँ पे लगा दो वो ट्रक की बत्ती के साथ कि भाई यहाँ जाके देखो, ये आपको बता देगा, ये तो कहाँ बताएगा भाई, ये तो पता नहीं क्या। अब एक्सपर्ट बंदे जो है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो यहाँ पर आए, ठीक है, आपका ये अलीबाबा पे आ गए, इसको जस्ट यहाँ किया, ठीक है, छोड़ो, बेस्ट सेलर पे आए, ठीक है, बेस्ट सेलर पर आकर उन्होंने जो है यहाँ पर आके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहली बात ये भी कर सकते हैं, आप अपना माइक, जी माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, काफी बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, सिर्फ एक नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इधर माइनस लिखा, माइनस के बाद मैं रैंडमली कुछ भी मैंने लिख लिया, अब मेरी एम्स यहाँ पर अगर हुई हुई है तो ये ओपन हो जाएगा, इस वाली पे नहीं हुई हुई है ब्राउजर पे, ठीक है, मेरी ये किस वाली पे हुई हुई है, ये इस वाले ब्राउजर पे हुई हुई है, तो यहाँ अगर मैं अमेजोन चलाऊं, यहाँ पर हुई एम्स मैंने जो आपको एक्सपेंडर बताया था ना, वो आपने कर लेनी, ये पाकिस्तान डला हुआ है, इसका जरूर ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान वाले में नहीं ढूंढते बैठना। हूर खान आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी, ये आप आ गए यहाँ पर, ठीक है आप यहाँ पर आए, आपने इधर माइनस लिखा, रेंडमली कुछ भी लिखा, ठीक है। अब ये मुझे सजेशन दे देगा कि भाई इस स्पेलिंग से जो है ना लोगों ने ये चीजें सर्च की हुई हैं, ठीक है। ये अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, नेट का कोई है AMG सजेशन, ये मुझे बताएगा। ये देखें, अब ये मुझे सजेशन दे रहा है कि सर इस अल्फाज को लिखने के लिए ये चीजें आ सकती हैं। अब ये लॉन्ग बैंड किट मैंने तो नहीं लिखा था, मुझे पता ही नहीं था कि लॉन्ग बैंड भी किट भी कोई चीज होती है, ठीक है। ये BMW फॉर किट्स मैंने लिखा, मुझे पता था कि ये चीज होती है, लेकिन ये मैंने आइडिया यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से बैठ के मैं आराम से इसको क्या करूंगा, जैसे ही ये खुलेगा ना, क्योंकि कीवर्ड तो आ गया मेरे पास, अब मैंने और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा, अब ये चल जाए थोड़ा सा, सीधा सीधा यहाँ जाना है और अपना ये चला देना है, ठीक है। ये मैं इसको एक्सरे करूंगा, अभी जाहिर सी बात है ये वाले उस पर तो अभी ऑन ही नहीं है, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखी किट्स, नहीं BMW था ना, BMW फॉर किट्स, और किट्स ये वाली थी ना, ये वाली थी, यहाँ पर आया, ये जैसे ऑन हुआ इसको मैंने क्या किया, ये वाला जो है इसको एक्सरे पर डाल दिया, एक्सरे करूंगा इसका सीधा सीधा और कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं एक एक्सपर्ट बंदा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट ये इसको एक्सरे पर डालूंगा, डालने के बाद ये वैसी शीट मुझे खोल के देगा और मैं जल्दी से उसको एनालाइज करूंगा। अगर वो मुझे एक भी उसमें ऑप्शन नहीं दिखाना, मैं जस्ट इधर से जाऊंगा, इसको बंद कर दूंगा कि भाई ये मेरे काम की नहीं है, फायदा मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। ये मैंने आपको एक और तरीका बताया, ठीक है। वहां से भी प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे थे, इससे भी जी। सर अगर कोई वैसे ही लिस्ट आपके पास पड़ी हो, प्रोडक्ट हंटिंग की परफेक्ट लिस्ट आपके पास हो, तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। अच्छा हैं, अच्छा सारी चीजें बता दूं, हाथ पांव कटवा के बैठ जाऊं। ये तो अब आप लोगों का काम है ना, मुझे आप लोग ढूंढ के दिखाएंगे ना, अभी आज असाइनमेंट मिलेगा आपको, क्राइटेरिया आपको दे दिया बस। सर असल में मैंने आपको एक मिनट एक मिनट, मैंने आप लोगों को रास्ता बता दिया है, ठीक है। मैप मैंने आपको दे दिया, कराची वालों को दे दिया लाहौर जाने का, ठीक है, लाहौर वालों को दे दिया कराची जाने का। अब आप वो मैप को फॉलो करो, ठीक है। अब मुझे आपने ये नहीं बोलो सर आप अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे लाहौर लेके चले, या लाहौर वाले बोले मुझे हमें आप कराची लेके चले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है सर। अगर हमारे पास वो तो पेज खुल जाता है जी, जी मैं कह रही हूं सर, मेरा नाम शुएब है, एक एक करके बोल लें सर। अगर हमारे पास कोई विनिंग प्रोडक्ट है, यानी कि हमने सारे क्राइटेरिया लाए कर जो यानी कि परफेक्ट है, तो हम उसके यानी कि ये सारे नोड और स्क्रीनशॉट वगैरह लेके हम क्या फेसबुक के ऊपर अपलोड कर, हाँ वो मैं, अच्छा वो आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऐसे उठा के मत डाल दीजिएगा भाई, ये चोरी हो जाती है, $200 की है ये। यस सर वही चीज मैं पूछ रहा था कि जी, जी, सही है सही है, ठीक है मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सी चीजें हमें हाइड करनी, ठीक है ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप अपने, ये जो आपका है मोबाइल से नहीं, ठीक है मोबाइल से नहीं होती है कोई भी चीजें, मेहरबानी करें आप मेरे ऊपर और अपने, ये स्नैप टूल ले लीजिए आप, स्नैपिंग, ठीक है। इस टूल को आप इस्तेमाल करें, ये से खुलता है, ठीक है। इसको यहाँ से न्यू करें, न्यू करेंगे तो आप कहाँ से इसको उठाना है, आपने यहाँ से लेना है, ठीक है, प्राइस से लेकर यहाँ तक शीट आ रही है, आप यहाँ तक उठाएं, ठीक है। जैसे करेंगे ये सेव हो गई, ठीक है, इसको जाके आप सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, जहाँ आपको सेव इज करना है, ठीक है, कहीं पे भी आपको सेव करना है, मिसाल की बात है जहाँ आपने रखा है वहां इसको सेव कर दें, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। यहाँ आपने एक चीज सेव कर दी, उसके बाद आप यहाँ आगे चले जाएं, ये सारी दे दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या नहीं लेना,
ये वाली जो है चीज ये नहीं देना, बीएसआर नहीं आपने उठाना, ठीक है, और कैटेगरी नहीं उठानी, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखिएगा, अगर आप ब्लर कर सकते हैं तो ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कैटेगरी आपने नहीं उठानी, क्योंकि आपको स्नैप तो मैंने दे दिया है, आप इससे जाके जो चीज आपको उठानी है देखें, मैं कैटेगरी उठाई नहीं रहा। दोबारा बताइएगा क्या क्या नहीं देना। हाँ, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल नहीं देनी, ASIN नहीं देना, ठीक है, ब्रांड नहीं देना, ठीक है, उसके अलावा आपने ये जो है इसकी कैटेगरी नहीं देनी, बस। बाकी सारी चीज आप एक ही उस पे पेज पे अगर कर सकते हैं सर, हमें सेल्स ग्राफ से देना है। सॉरी, हाँ हाँ, ये वाला, ये जो काउंटिंग है ना, ये वाली देनी है, ठीक है। इसके अलावा भी चीजें आती हैं, सिर्फ ये शीट नहीं है, इसके अलावा भी चीज आती है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले आप लोग आज इसकी कल प्रैक्टिस करें पूरा, आपके पास 5 दिन है बकाया, ठीक है ना, 3-4 जितने भी दिन होंगे, आज तो लास्ट क्लास होगी वीक की, ठीक है, लेकिन आपने ये वाली चीजें नहीं देनी। सर, ये मेरा हीलियम 10 प्लीज ऐड टू क्रोम करवा दे, मेरा ब्लैक बॉक्स काम कर रहा है, लेकिन वो ऐड टू क्रोम कैसे करना है ये मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, कोई इशू नहीं, ये ब्लाइंड पे देनी है चीजें, ये किसको हाँ, नहीं देनी। हाँ, ये फेसबुक पे नहीं लगानी ये वाली चीजें, क्लाइंट को जब तक आप पैसे वसूल ना कर लें, क्लाइंट को इसके साथ या इसका कीवर्ड भी नहीं बताना आपने। ऐसे नहीं आप बताएं ये सारी चीजें तो दे दें और उसके साथ साथ आप उसको कीवर्ड भी दे दें या वो अपना तस्वीर भी दिखा दें कि भाई मैं तो प्लास्टिक कप की बात कर रहा हूँ। जी सर, एक चीज और है, जैसे कि अगर क्लाइंट हमें काम दे देता है, हाँ, और हम सर्चिंग में लग जाते हैं और हम फाइनलाइज कर लेते हैं अपनी शीट को, रेडी कर लेते हैं, हाँ, फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं आप वेट करें, मैंने एक दो वीए को और दिया हुआ है, हाँ, मैं वहां से रिस्पांस लूंगा, सही तो फिर मैं, या हमसे को ले लेता है और उसको कहता, हाँ, है मैंने, हाँ, एक दो वीए को और दिया हुआ है, हाँ, तो जब तो इतनी देर में हमारी विनिंग प्रोडक्ट जो है वो तो विनिंग पोजीशन पे नहीं रहेगी, वो तो अगर उसमें एक महीना गुजर गया तो वो बिल्कुल तो पोजीशन से आउट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें लॉस हो गया ना सर ये, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जी जी जी, हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखें जनाब, आपका काम आपने किया है, एक आप प्लम्बर को लेकर आए, ठीक है, आज उसने वो बना दिया, ठीक है, अब बाद में थोड़ी देर के बाद भी अगर वो खराब हो जाता है उसका कोई कसूर नहीं है भाई, ठीक है। पहली बात, कस्टमर से वेरी क्लियर बात करेंगे, भाई मैंने आपको ये चीज दे दी है, अगर इस चीज में आपको समझ में आ रहा है, क्राइटेरिया आपने जो मुझे दिया था, मेहरबानी करके अगर आपको कीवर्ड चाहिए, आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट है, आप मुझे पैसे ट्रांसफर करो, मैं आपको सारी चीजें दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या भी होता है वो क्लाइंट का अपना मथे का सूर है, हमारा कोई नहीं है, ठीक है। क्लाइंट अगर कहता है सर मुझे पहले शीट दो, मैं देखूंगा क्या सेटिस्फाई होऊंगा तभी आपको पैसे दूंगा, तो दे रहे हैं ना हम स्टेट्स दे रहे हैं ना, स्टेट्स तो दे रहे हैं, एडवांस देते हैं, आप हमें एडवांस देते हैं, हम आपको शीट जब देंगे तो आप रिमेनिंग दे दें, इस तरह नहीं, 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 ऐसे नहीं, आप उसको स्टेट्स दे दें, ये वाले, ये ब्रांड छोड़ के, एसएन छोड़ के, प्रोडक्ट हंटिंग छोड़ के, उसके अलावा ये आपके कैटेगरी जो है इसको छोड़ के, बाकी उसका सारा स्टेट्स दे दें, ठीक है, बोलो देखो ये चीज आ रही है, ये ही दूंगा, तुम भी सर्च करोगे यही निकलेगा, ठीक है। फिर वो जब वो उसको स्टेट्स को देखता है, वो कहता है ठीक है यार, स्टेट्स तो उसके मजे के आ रहे हैं, चलो ठीक है यार, पेमेंट मैं करता हूँ, दो मुझे जरा, ठीक है। हाँ जी, जी जी सर, मेरा भी क्वेश्चन यही था। जी सर, क्वेश्चन मेरा भी यही था। अब मुझे अब फाइनली ये बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि जस्ट 3 चीजें देनी है, प्राइस, सेल्स और सेल्स ग्राफ, या रेवेन्यू भी साथ मिला के देना है उसको, देना है बिल्कुल। अच्छा, आप, मैं शायद आपको सही समझा नहीं पाया हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट आपने नहीं देनी, ठीक है, उसके अलावा एसेंस नहीं देने आपको, आपने, ठीक है, ब्रांड नहीं देना, उसके अलावा चौथी आपने कैटेगरी नहीं देनी, उसके बाद, उसके अलावा ये सारी चीजें दे दें, बाकी जो आती है सारी चीजें। जी, ये आप पहले की बात करें, जब हमें वो पे नहीं कर रहा तब एज अ प्रूफ हमें देना, जी 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 जी, स्टेट्स हमें देने के बाद, जब वो पे करेगा तो फिर तारीख, उसके बाद, हाँ जब उसके बाद दे देंगे, कोई इशू नहीं, इसके अलावा भी चीजें दे। जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीका ये भी है, अगर हीलियम टिन की एक्सरे में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो जो चीजें उसके बाद इसको जाके बैठ के आराम से आप बनाएं। भाई सर, फोर्थ चीज कौन सी नहीं मेंशन करनी हमें, ये देखें, ये हो गया, ये
ये वाली आ गई। हाँ जी मैं बताता हूँ, ये प्रोडक्ट डिटेल आपने ये नहीं करना, ये ASIN नहीं करना आपने मेंशन, ये ब्रांड नहीं करना, उसके अलावा कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ आके आप देखें, मैं सबर करें आपको दिखाता हूँ, ये रही कैटेगरी, ये है टॉय एंड गेम्स, टॉय एंड गेम्स, ठीक है, ये कैटेगरी आपने बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि लोग इतने एक्सपर्ट बैठे हैं वो टॉय गेम्स है आपकी ये सारी चीजें निकाल के चले जाएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, गुड हो गया। यस सर, और साथ में सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअली Amazon प्रोडक्ट, आगे इसका नेम भी लिखा, ये भी हमने हाइड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जहाँ ये जो चीजें आ रही है ये तो आपने जाहिर सी बात है बंद करनी है, आपने अपनी कोई चीज बेचनी है तो उसका तरीका है ना यार, आपने ये चीज तो हाइड करनी है। हाँ भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई चीज थोड़ी बहुत भूल जाता हूँ मैं, आप लोग अपना भी देख लिया करें। जी साथ में सर मुझे भी एक एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया था कि आपने जो भी प्रोडक्ट प्रिंट करनी है ना, जी ये नहीं है कि आपने बस हीलियम 10 से आपने वो प्रोडक्ट सर्च किया उधर से आपको एक ग्राफ वगैरह जी जी लग रही है तो आपने वो अग्रे स्लाइड उसको नहीं दे दी, आपने फिर कोई और टू जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी 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 वहां तक हम आए नहीं है, यही मैंने इनको कहा कि अभी तो ये आपको जस्ट एक शीट में बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं देना है, इसके अलावा जंगल स्काउट की आएगी, उसके अलावा गूगल उसका ट्रेंड आएगा, ठीक है, फिर वायरल लॉन्च भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके भी स्टेट्स मांगता है क्लाइंट, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर जब मैंने आपको अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के, क्लाइंट ये भी मांगता है कीवर्ड रिसर्च इसका कितना आ रहा है, क्लाइंट वो मांगता है कि भाई इसके स्टेट्स मुझे दिखाओ इसका कीवर्ड रिसर्च कितना इसका है, ठीक है, लेकिन आपका ये पहला टास्क है तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हीलियम 10 समझा रहा हूँ, फर्स्ट ये शीट आपको समझा रहा हूँ, ये कर ले, बाकी छोटी छोटी चीजें मैं आपको वो एक ही उसमें समझा दूंगा, ठीक है, अभी क्लाइंट आपसे जी जी सर, ये मेरा हीलियम का जो 10 का जो पेज है, ब्लैक बॉक्स रिसर्च वगैरह सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो आ रहा है, बस ये मेरा ना ऊपर एक्सटेंशन में शो नहीं हो रहा, गो टू वो नहीं ठीक है, वो प्लीज कैसे करना है मुझे बता दें। ठीक है, आप जाके लिखेंगी हीलियम 10 और एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन में जैसे आप आएंगी यहाँ पर लिखा होगा एड टू क्रोम, अभी तो ये लिखा हुआ आ रहा है ना रिमूव, अच्छा ठीक है, यहाँ एड करेंगी यहाँ डाउनलोड होगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर इसको ये वाला जो है ये यहाँ से आके पिन कर देंगी, ब्लू कर देंगी इसको, बस ये मुझे ये एड टू क्रोम वाला जो है वो पेज है वो नहीं मुझे मिल रहा, होम पे जाके इसको करना, आप गूगल कर लें फौरन कर लें। जी सर ये जो छोटी छोटी चीजें है ना ये आप इन्हें बोल दें कि लेक्चर के बाद कोई आपके पास आके आपको पीसी पे करके दे देगा, आपको ज्यादा सहमत करने की जरूरत नहीं होगी, गुड हो गया। इस तरह जो जो ये छोटी छोटी बातें ना कई बार हो रही है तो इसमें ये हो रहा है सर टाइम वेस्ट हो रहा है। जी 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 ऐसा ही चलो ये और ये उनके पीछे पे आके कर दूंगा, कोई इशू नहीं, गुड हो गया। सर ये FB के अलावा कोई बताएं तरीका, कोई पैसा प्लेटफॉर्म जहां से क्लाइंट ग्रैब किया जा सके या अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया जा सके? डियर सबसे बेस्ट तरीका यही है FBA, अपना ये फेसबुक सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, फाइवर भी है, फाइवर और अपवर्क के भी तो अकाउंट बनाते हैं लोग। बिल्कुल बनाते हैं, अच्छी बात है जाके बनाएं, लेकिन वो सबसे ज्यादा तो वो फाइवर की फीसेस होती हैं, वो ही ले लेता है। सर आपने हमें हीलियम के साथ हीलियम 10 के साथ सिखाया जी, है जी, तो आप हमें बाकी सब दोनों के साथ फ्री टूल्स के साथ भी सिखाएंगे या? जी बिल्कुल जंगल स्काउट भी, हाँ जी बिल्कुल जंगल स्काउट भी सिखाऊंगा, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको गूगल ट्रेंड भी बताऊंगा, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको वो वायरल लॉन्च की भी समझा दूंगा, ठीक है। सर ये शीट के प्राइसेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं या 200 फिक्स ही हैं सबके? भाई जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतनी, लेकिन मिनिमम भी 200 तो है डॉलर, मिनिमम टू जी मिनिमम है सर जी। ये प्रोडक्ट आपको विन करना इतना आसान नहीं है, ये तो अभी आपको मैंने अभी भी देखो रेंडमली मैंने निकाली तो अच्छी थोड़ी निकली है, बिल्कुल थर्ड क्लास निकली है जो किसी काम की नहीं है। सर ये आप कैसे चेक कर लेते हैं, कैसे देख लेते हैं ग्राफ?